आप सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट इन द गेमिंग में। मैं हूं AK22 और यह है एक और स्नैपशॉट 1.14 का जो कि कल ही रिलीज हुआ है और इसमें काफ़ी सारे नए ब्लॉक्स आए हैं जो शायद माइनक्राफ्ट को बिल्कुल ही बदल देंगे, क्योंकि ये सब जो ब्लॉक्स हैं हमें पहले मॉडर्न माइनक्राफ्ट में मिलते थे, अब ये वनीला में आने वाले हैं और देखते हैं कितने ब्लॉक्स हैं इसमें जो 1.14 के फाइनल रिलीज में आते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या नई चीज़ है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से नए ब्लॉक्स आए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ब्लूम से। ब्लूम क्या है, ये आपको मदद करता है आपके जो बैनर्स हैं, जब आप बैनर्स बनाते हैं तो उसको कस्टमाइज़ करने के लिए, उसका पैटर्न कस्टमाइज़ करने के लिए, उसका नए नई डाइज उसमें इस्तेमाल करने के लिए। तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये नया ब्लॉक आया है जो कि पिछले स्नैपशॉट में आया था और इस स्नैपशॉट में नहीं है, ये पिछले स्नैपशॉट में आया था। मैंने आपको बताना भूल गया कि ये एक और नया ब्लॉक आया है। ब्लूम क्या करता है, ब्लूम नहीं लूम, इसमें आप बैनर डालिए कोई से भी कलर का और यहाँ पर आपको कलर डालना पड़ता है। जैसे हमारे पास पर्पल है तो इसमें आपको 34 पैटर्न्स आते हैं और आप उसको डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हैं बिना क्राफ्टिंग टेबल में डाले। पहले आपको ये पैटर्न्स लाने के लिए इसको क्राफ्टिंग टेबल में अलग अलग डाइस अलग अलग पैटर्न में जमानी पड़ती थी, तब मिलता था। ये पूरी टोटल 34 पैटर्न्स है। ये देखिए वॉल वाला है, ये है डायमंड पैटर्न है, प्लस है, क्रॉस है, स्ट्रिप्स है और अलग अलग जितने भी पैटर्न्स हैं वो ऐड करे गए हैं इसमें। तो आप इसमें अलग अलग कलर डाल सकते हैं अपने अलग अलग चॉइस के कलर, और इसमें 34 पैटर्न्स डिफ़ॉल्ट पैटर्न्स है वो आप बना सकते हैं इस लूम में डाल के। और एक और चीज़ है कि ये देखिए ये जो बैनर है, ये है बैनर पैटर्न है, तो ये आप इसमें रखेंगे तो आपको ये वाला मिलता है। ये देखिए ये डिफ़ॉल्टली है इसमें, और ये थिंग है जो मोजैंग का साइन रहता है वो, ये देखिए। और इसमें आपको सिर्फ कलर चेंज करना रहता है, हमको रेड चाहिए तो रेड में आ जाएगा, तो इसलिए लूम काम आता है आपके बैनर कस्टमाइजेशन में। यही है कि इसमें आपको बैनर पुट करना है और आप इसमें नए नए कलर्स के पैटर्न्स ले सकते हैं। ये देखिए वॉल वाला लेते हैं, ये आ गया हमारे पास वॉल वाला पैटर्न और इसे आप प्लेस कर सकते हैं। तो ये काम आता है लूम का कि आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपकी डेकोरेशन ब्लॉक्स और आपके होम को, तो बहुत शानदार दिखेगा। ठीक है, तो ये है लूम। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको कि डाइज अब डिफ़ॉल्ट कलर्स की नहीं रह गई है, मतलब कि जैसे हमको ब्लैक चाहिए रहता तो आपको इंक सैक यूज़ करना पड़ता था, पर इसके लिए अब अलग डाई है। ये देखिए इंक सैक से आपको मिलेगी ब्लैक डाई, बोन मिल से आपको मिलेगी वाइट डाई, ब्राउन कोका से मिलेगी आपको ब्राउन डाई और लैपिस लजुली से मिलेगी आपको ब्लू डाई। पहले आप ये डायरेक्ट यूज़ करते थे जो भी कलर आपको चाहिए रहता था, अब ये न्यू डाइज ऐड करी गई है। ओके, तो नेक्स्ट ब्लॉक है लैक्टर्न। ये नया ब्लॉक है जो पिछले स्नैपशॉट में आया है, पर इसमें अभी आप कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये जो ब्लॉक्स है सारे जितने भी नए स्नैपशॉट में हैं उसको आप एक्टिवेट नहीं कर सकते। जैसे लूम को आप एक्टिवेट कर सकते हैं राइट क्लिक करके, वैसे इन ब्लॉक्स को आप अभी एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लैक्टर्न आपको शायद बुक रीडिंग या बुक एडिटिंग के लिए काम आता है। जैसे ये हमारे पास बुक एंड क्विल है तो आप इसके ऊपर रख के इसे एडिट कर सकते हैं और इसे साइन अप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारी बुक, तो ये शायद बुक रीडिंग के लिए है, ये नया ब्लॉक आया है और शायद यह आपको विलेजेस में मिल सकता है या उसकी क्राफ्टिंग रेसिपी क्या है वो पता चलेगी हमें नेक्स्ट आने वाले भाग में स्नैपशॉट्स के। तो अब चलते हैं एक और ब्लॉक जो बैरल आया है, ये है बैरल, और शायद ये आपको लिक्विड आपके पोशंस या क्या स्टोर करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसका भी यूज़ पता नहीं है, बस ये ब्लॉक है, इसको भी आप एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं आपके हाथ से, और से आप अपसाइड या लैटरल पोजीशन में रख सकते हैं ऐसे। तो ये है नया बैरल ब्लॉक जो कि इस स्नैपशॉट में आया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ये है स्मोकर। ये किस काम आने वाला है स्मोकर, ये भी अभी पता नहीं है, इसे भी आप एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं और इसकी पोजीशन आपको एक ही मिलेगी जो कि फेस अप है ये वाला, और ये मस्त आपके डेकोरेटिव ब्लॉक्स बन सकते हैं आपके घर में। अलग अलग पैटर्न्स है इस पे, साइड में, फ्रंट में और टॉप में। तो ये स्मोकर है, स्मोकर शायद आपको कुछ नई चीज़ जो आने वाली है वो इसमें आप
कर सकते हैं, पर वो क्या है वो भी पता नहीं है, क्योंकि बस इसमें अभी ब्लॉक ऐड करे गए हैं, इनकी क्या काम है वो अभी बताया नहीं गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट ब्लॉक है ब्लास्ट फर्नेस। मेरे को लग रहा है ब्लास्ट फर्नेस स्मेल्टर के काम आएगा, एक एक्सक्लूसिव ब्लॉक जो आप स्मेल्टिंग करते हैं आयरन गोल्ड, वो स्मेल्ट करने के लिए एक्सक्लूसिवली इसे इंट्रोड्यूस करा गया है, स्मोक ब्लास्ट फर्नेस को। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा आपको फर्नेस जैसा दिखता है, इसे भी आप एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। तो ये फर्नेस की जगह अब ये ले लेगा शायद स्मेल्टिंग के लिए, हो सकता है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। इसके बाद आता है कार्टोग्राफी टेबल, ये शायद मैप रीडिंग के लिए है, जो भी आपको मैप्स मिलते हैं जैसे कार्टोग्राफर का मैप है और हिडन ट्रेजर का मैप है शायद वो, क्योंकि इसके ऊपर एक मैप बना हुआ है जो कि इस पॉइंट तक ऐसा बता रहा है, और टेक्सचर इसमें और कुछ नहीं है, आसपास सेम है, यहाँ पर रेड बॉक्स है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ऐड है ब्लॉक में कि मैप्स आने वाले हैं नए, तो उसमें क्या है इसमें आप देख सकते हैं और कैसे पोजीशनिंग कर सकते हैं वो सब बताएंगे। ठीक है, तो ये एक और नया ब्लॉक है जो जिसका नाम है कार्टोग्राफी टेबल। उसके बाद आता है फ्लैचिंग टेबल। फ्लैचिंग टेबल क्या है, इसमें बो और एरो बना हुआ है, तो शायद ये आपके बो और एरो को ज़्यादा कस्टमाइज़ करने के लिए हो सकता है ये आपका फ्लैचिंग टेबल, कि इसमें आप नई नई चीज़ें क्या ऐड कर सकते हैं आपके एरोज़ में। तो वो ये एक और नया ब्लॉक है जो कि सिमिलर टू क्राफ्टिंग टेबल दिखता है। उसके बाद आता है आपका ग्राइंडस्टोन। ग्राइंडस्टोन शायद जो नए ब्लॉक्स आए हैं स्मूथ स्टोन ऐड करे गए हैं स्लैब्स, उनको बनाने के लिए शायद यूज़ करा जाता है, हो सकता है कि उसे यूज़ करे। ये देखिए, दो वुडन ब्लॉक लगे हैं, बीच में एक ग्राइंडस्टोन है जिससे आप स्मूथ स्टोन बना सकते हैं। तो ये कोई नया ब्लॉक आया है इस स्नैपशॉट में। तो काफ़ी सारे जो मॉडर्न माइनक्राफ्ट में थे वो अब ऐड हो रहे हैं। ओके, तो अब चलते हैं हमारा स्मिथिंग टेबल। तो स्मिथिंग टेबल एक और नया ब्लॉक है, ये भी सिमिलर टू क्राफ्टिंग टेबल बनता है। इस पर देखिए हैमर है, यहाँ पर कुछ एक और पैटर्न है, डिफरेंट पैटर्न्स इसके चारों तरफ, और ऊपर क्राफ्टिंग टेबल जैसा ही है। ये शायद आपके वेपन फोर्जिंग के काम आएगा, यानी कि आप वेपन इसमें वो कर सकते हैं, अलग अलग वेपन्स को कैसे बनाना है वो, अब एक्सक्लूसिवली शायद वेपन्स बनाने के लिए ये टेबल यूज़ होगा। ठीक है, जो कि पहले क्राफ्टिंग टेबल पे होता था सारा काम, अब सबके लिए अब एक्सक्लूसिवली अलग अलग ब्लॉक्स ऐड कर रहे हैं माइनक्राफ्ट कि सभी के लिए अब क्राफ्टिंग के लिए, स्मिथिंग के लिए, फर्नेस स्मेल्ट करने के लिए सब नए नए ब्लॉक्स हैं। तो ये है एक और ब्लॉक स्मिथिंग टेबल, तो इसका यूज़ अब नए स्नैपशॉट में शायद हमें पता चले। उसके बाद आता है स्टोन कटर। ये देखिए, स्टोन कटर भी शायद हमें स्लैब्स बनाने या फिर वॉल्स बनाने में काम आने आएगा, या नए ब्लॉक्स और ऐड होने वाले हैं जो यूज़ आएगा। इसके ऊपर एक सॉ लगी हुई है, सर्कुलर सॉ, ये भी आपने मॉडर्न माइनक्राफ्ट में देखा होगा जो अब वनीला में आने वाला है। ठीक है, और अब चलते हैं ये वाला ब्लॉक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बेल ब्लॉक है जो कि आप टावर पे लगा सकते हैं, इसके बीच में गोल्डन बेल लगी हुई है। शायद आप अलग अलग मेटल से आप बेल बना सकते हैं, पर पता नहीं, इसमें तो गोल्डन ही है। और इसके आसपास लकड़ी के वुड हैंगिंग्स लगी हुई है, आप इसे प्लेस करते हैं तो देखिए बेल की आवाज़ आती है, जैसे आप फोर्ज प्लेस करते थे तब आती थी। और देखिए, इसे आप जब किसी ब्लॉक पे लगाते हैं तो इसे हटाते हैं तो ये ड्रॉप होती है। तो ये ब्लॉक्स हैं सारे जो ऐड करे गए हैं इस स्नैपशॉट में, काफ़ी इंटरेस्टिंग। ये सारे एक्सक्लूसिव ब्लॉक्स जो अब आप बना सकते हैं क्राफ्टिंग करने के लिए, और इसका यूज़ है वो शायद नए स्नैपशॉट में आपको पता चले कि इन सब का क्या यूज़ है। और बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है माइनक्राफ्ट, क्योंकि अब पहले तो क्राफ्टिंग टेबल फर्नेस यही थे, अब सब ब्लॉक्स नए आ चुके हैं और अब मज़ा आएगा इसको खेलने में। ये शायद मोस्ट बिगेस्ट चेंज होगा माइनक्राफ्ट की, अभी तक के जितने भी वर्जन्स आए हैं उन सभी में,
कि इतनी सारी नई चीज़ें एक साथ लेकर आ रहे हैं। पहले बहुत कम कम चीज़ें आती थी हर वर्जन में, पर अभी बहुत फास्ट और नई नई चीज़ें एक साथ आ रही है। तो ये है स्नैपशॉट में नए ब्लॉक जो ऐड करे गए हैं इस नए स्नैपशॉट में। तो सॉरी, मैंने अपनी हेलोवीन वाली स्किन ही पहन के रखी है। तो ये है नया स्नैपशॉट जो आपको इस माइनक्राफ्ट 1.14 में देखने को मिलेंगे, और अगले स्नैपशॉट में हो सकता है हम इसके क्या क्या इसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं इन सभी ब्लॉक्स को, वो नए स्नैपशॉट में आएगा। और मुझे भी इंतज़ार है उस स्नैपशॉट का कि जल्द से जल्द आए और मैं उस पर आपको बता सकूँ सारी जानकारी कि कैसे वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो मिलूंगा मैं आपसे अब अगली वीडियो में और नई इंटरेस्टिंग स्नैपशॉट वीडियोस के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।